सामने सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, जिसका आ गया वो तो सही है, जिसका नहीं आया वो देख लो कि क्या होगा इसका आंसर। देखो, इस फिगर में सिर्फ तोड़ना है तुम्हें, अगर आ जाता है तोड़ना है कि इस फिगर को हम तोड़ दें पार्ट वाइज में, तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या है, एक फिगर तो ये है, तो ये वाला हर जगह माउंट है, ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल माउंट है हर जगह। इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसमें सब जानते हो, तो इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो आपका कितना बनेगा, तीन ट्रायंगल इसमें बनेगा, तीन ट्रायंगल इसमें बनेगा, तीन इसमें बनेगा, तीन इसमें बनेगा, ठीक है, तीन तीन छः तीन नौ और 12 ट्रायंगल तो ये माउंट वाले जो हैं आपके उसमें बन जाएंगे। और बीच वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में कितना ट्रायंगल बनेगा, ऐसे जो है, इसे तो मैंने काउंट करना है, आपको बताया था क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। देखो, इसकी नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितना हो जाएगा, 8 का डबल हो जाएगा 16, तो 16 और ट्रायंगल मिल जाएंगे बीच वाले से, 16 ये हो गए, बाकी दो फिगर के कंबाइन होने से जो हिडन ट्रायंगल होगा वो आपको मिलेगा, उसे ढूंढ लेते हैं। वो कौन कौन सा होगा, वो आपका होगा, देखिए एक ये और एक ये, ऐसे सभी में मिलेगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो दो यहाँ मिला तो दो यहाँ मिलेगा, दो यहाँ मिलेगा, दो यहाँ मिलेगा, दो यहाँ मिलेगा, तो टोटल कितने मिल जाएंगे, दो दो चार दो छः और मिल जाएंगे, ठीक, दो दो चार दो छः और दो आठ मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कितनी जगह, एक दो तीन चार जगह ना, तो चारों जगह मिलेंगे तो आठ और मिल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 6 आ जाएगा, 16 एक एक दो एक तीन, तो टोटल कितना यहाँ ट्रायंगल आ रहा है, 36 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया होगा इसका आंसर, वो सही है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है इसे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 36 होगा। पहले बीच में काउंट कर लो, बीच का आ जाएगा 16, 8 का डबल, इसमें ट्रायंगल में तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, तो चार हैं, तो 12 ये हो जाएंगे, प्लस दो आपके कंबाइन होके ये बन रहे हैं, तो दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें और दो इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 सबको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 36 आपका आंसर आ जाएगा, 36, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके जो सामने आ रहा है, सभी लोग आंसर कमेंट करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो क्या होगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। चलिए, जिसका नहीं आया अब देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसको कैसे आपको करना है, बीच वाला जो पोर्शन है आपका जो मैं बना रहा हूं दूसरे कलर से, देख लेना, इसको हम एक क्या मान लेंगे, क्वाड्रिलेटरल मान लेंगे। देखो, ये बीच वाला जो पोर्शन है नीले कलर से मैं बना रहा हूं, देखो ये आप एक क्या मान लो, इसे क्वाड्रिलेटरल मान लो, और ये डायगोनल इसके मिले हुए हैं, तो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, जो चार साइड हैं वो बीच से उसके डायगोनल मिले हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे कुछ भी हो, जब ऐसा फिगर आ जाए तो इसकी नंबरिंग कर दो और इसमें ट्रायंगल काउंट कर लो, क्योंकि ट्रायंगल ही पूछा है आपसे, तो इसमें ट्रायंगल कितना हो जाएगा, चार का डबल कर लोगे तो 8 ट्रायंगल इसमें बनेगा, उसके बाद से कहाँ बनेगा, 8 के बाद 9वां नंबर ट्रायंगल ये बनेगा, 10वां नंबर ये बनेगा, उसके बाद से 10 के बाद देख लेते हैं, आ जाओ 10 के बाद आपका बनेगा एक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो 11 पे पहुँच गए, 11 में मिल गए हैं ट्रायंगल, उसके बाद से क्या मिलेगा, 11 के बाद एक इसी वाले उससे ये पूरा, ठीक है, तो ये 12 हो गया हमारे पास, एक और जोड़ लो, टोटल अभी तक हमें कितने मिले हैं, 12 ट्रायंगल मिल चुके हैं, उसके बाद से 12 के बाद एक और मिलेगा हमें, वो कौन सा मिलेगा वो भी देख लो, एक ये मिलेगा, एक यहां से यहां तक, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक और काउंट कर लो इसमें, तो 13, ठीक, 13 हो गया, उसके बाद से अब उस साइड से देखेंगे, उस साइड से देख लें तो कौन कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, उस साइड से अगर हम देखें तो हमें जो ट्रायंगल मिलेगा उसे मैं ग्रीन कलर से कर दे रहा हूं, 13 हमारे पास हो चुके हैं, देखो एक तो आपका ये पूरा, ठीक है, 14 और एक यही इसी से ऐसे यहां ये वाला, देखो
ठीक है 15, तो 13 प्लस 2 और मिल गया आपको, तो कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो कहां कहां मिला वो देख लो, बीच वाला मैंने पहले पोर्शन किया नीले से, उसमें मुझे 8 मिले, ठीक है 8 ट्रायंगल मिला। उसके बाद से ये सिंगल जो इधर माउंट है वो 10 मतलब 9 ये और 10 ये, उसके बाद से इसका और इसका मिला के एक ये बना रेड वाले से, फिर एक पूरा बना, ठीक है, और एक कौन सा बना, ये जो आपका ब्राउन कलर से दिख रहा है, ये ब्राउन कलर से पूरा ये वो ट्रायंगल बना। ठीक, एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूं कि इसमें कैसे आपको काउंट करना है, मैं रफ कर दे रहा हूं पूरा, आपको 15 काउंट इसके आ गए हैं, जिसके आंसर 15 आए होंगे देख लेना, जिसे नहीं समझ में आया एक बार और देख लो। सिंपल सा है, इसमें क्या करो आप नंबरिंग कर दो, 3 4, 4 का डबल क्या कर दोगे 8, यहाँ आपका ट्रायंगल आएगा, ये 9 नंबर हो जाएगा, ये 10 नंबर हो जाएगा। उसके बाद से क्या करोगे, 10 नंबर मतलब ये ट्रायंगल 10, ये जो ट्रायंगल होगा बाहर जो बना है ये है 10वां नंबर, ये है आपका 9वां नंबर, ठीक है, बाकी और किसी को मत सोच लेना। उसके बाद से क्या करोगे, आपके पास जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये सबसे, तो ये क्या होगा आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद 11 और वहीं से आप देखोगे तो 11 एक ट्रायंगल ये बन जाएगा 12, ठीक आपका 12 हो गया। उसके बाद से एक ट्रायंगल और कहां बनेगा देख लो, एक ट्रायंगल आपका बन जाएगा यहां पे देख लो, ये ले गए यहां से 13, तो टोटल अभी तक हमारे पास 13 ट्रायंगल हो चुके हैं, 13 हो चुके हैं, तो इस साइड से भी देख लेंगे हमें इस साइड से कौन कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, तो इस साइड से भी देख लेते हैं, एक देखो एक हमारा ये इधर इस साइड मिलेगा ये 14, और एक ऐसे ही ये वाला मिल जाएगा आपका क्या हो जाएगा 15, तो टोटल हमारे पास कितने ट्रायंगल मिलेंगे इसमें भाई 15 ट्रायंगल मिलेंगे, तो जिसका जिसका आंसर आया होगा 15 वो सही हो। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो भाई, आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आ जाना था, बहुत हलवा क्वेश्चन है। चलिए जिसका नहीं आया देख लो, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे इस वाले ट्रायंगल को देखे, यहां एक कट है पहले वाला ही और दूसरा कट यहां है, तो मैंने बताया था ना जब भी कुछ ऐसा ट्रायंगल हो आपके पास और ऐसे हो बेस बना हो सिर्फ, तो सिर्फ बेस की नंबरिंग कर दो उतने ट्रायंगल आपको मिलेंगे, तो बेस की नंबरिंग करोगे तो एक नंबर बेस, दूसरा नंबर बेस, तीसरा नंबर बेस, प्लस नहीं करना है इसको, तो 3 ट्रायंगल तो यहां मिल जाएंगे आपको, वो कौन कौन से होंगे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, 3 ट्रायंगल इसी वाले में मिलेंगे आपको अलग अलग कलर से, एक देखो एक तो ट्रायंगल आपका ये होगा, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल आपका ये होगा रेड वाला, और तीसरा ट्रायंगल पूरा हो जाएगा आपका, तीसरा ट्रायंगल आपका होगा, ठीक है तीसरा ट्रायंगल ये पूरा हो जाएगा, तो 3 ट्रायंगल यहां मिल गए, 3 तो आपके मिल गए, लिख लो भाई 3 हमें मिल गया अभी तक। 3 के बाद चौथा ट्रायंगल कौन सा होगा, चौथा ट्रायंगल आपका देखो ये पूरा चौथा हो गया, उसके बाद से ये पूरा, ये पूरा पांचवा हो गया, उसके बाद से छठवां एक ट्रायंगल मिलेगा वो कौन सा होगा, वो आपका देख लो छठवां ट्रायंगल ये आपका ये होगा, ठीक है ये आपका छठवां ट्रायंगल होगा, ठीक ये छठवां ट्रायंगल हो जाएगा, तो टोटल कितने इसमें ट्रायंगल मिले आपको 6 मिले, ठीक है 3 तो यहां हो गया इस वाले में मैंने बताया, उसके बाद से ये रेड वाला 4, ये ब्लू वाला 5 और एक इसके अंदर 6, तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल मिले 6 मिले, तो जिसका आंसर 6 है वो करेक्ट हो। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग जल्दी से कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करिए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। ट्रिक जान गए कि कैसे निकालना, बहुत जल्दी निकल आएगा, देखने में लग रहा है कि जल्दी नहीं निकल पाएगा, मगर जैसे आपको मैंने बताया क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस, आप तुरंत उसे फिगर को ज्यूम करिए कि किस पार्ट में इसको कैसे तोड़े कि इसमें हमें सबसे मैक्सिमम ट्रायंगल एक बार में मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसे आपको तोड़ना कैसे है। पहली बात देखिए, एक ट्रायंगल आपके पास कुछ ऐसा है, ये ट्रायंगल है यहां से गया है और एक वर्टेक्स से इस बेस पे आया, एक वर्टेक्स से इस बेस पे गया है, तो जब ऐसा बनता है आपके सामने कोई भी ट्रायंगल तो कितने ट्रायंगल मिलते हैं भैया, 2 का क्यूब मिलता है, तो मतलब 8 ट्रायंगल हमें मिल जाएंगे। उसके बाद से जो हुआ है उसे देख लेते हैं, उसके बाद से क्या हुआ है भाई कि उसी में एक और ऐसे यहां से ट्रायंगल बनाया गया है, देखो
ये ट्रेंगल बनाया गया। तो अंदर जो ट्रेंगल बना है, अंदर ये जो छोटा वाला ट्रेंगल बना, उसमें भी तो ये हो गया, एक वर्टेक्स से यहां से जा रहा है, एक वर्टेक्स से यहां से आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें भी 2 की पावर 2 का क्यूब मिलेगा, तो 8 यहां भी मिलेगा। तो दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा कितना अभी तक आ गया ट्रेंगल, 16 ट्रेंगल हो गया। उसके बाद से एक्स्ट्रा वर्क क्या हुआ है 16 के बाद, देखो यहां से हम कर दें, ये अगर हम काउंट करें तो 16 के बाद हमारे पास कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा, 16 के बाद हमारा यहां इसमें मिलेगा 17 18, क्योंकि ये तो हमारा कहीं काउंट नहीं हुआ ऐसे में जब ये अपना बना, तो 3 ट्रेंगल तो यहां मिल जाएगा हमें, ठीक। तो 16 3 19 हो जाएगा, उसके बाद से आपका 3 ट्रेंगल इसमें मिल जाएगा, तो 19 के बाद 20 21 22 हो जाएगा। तो अभी तक हमें 22 ट्रेंगल मिल गया, 22 के बाद इसमें क्या होगा आपका 3 इसमें मिल जाएगा, तो 22 और 3 क्या हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा, 25 ट्रेंगल हो गया। उसके बाद से कौन कौन सा ट्रेंगल मिलेगा 25 के बाद, देखो अब क्या होगा आपको जो है डबल डबल मतलब फिगर के ज्वाइंट वाले देखने होंगे, तो 25 हमारे पास आ गए हैं। 25 के बाद आपके पास जो और ट्रेंगल होगा देखो ये होगा 25 के बाद, ये ब्लू में देखो 26, उसी तरह इधर 27, तो 25 + 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसके बाद से 27 के बाद आपका कौन सा मिलेगा, इसे दूसरे कलर से देख लेते हैं, एक ये मिलेगा आपका 28 और एक इस साइड में मिलेगा आपका 29, तो 27 + 2 कितना हो जाएगा भाई 29 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी जो है जिन लोगों का आया होगा वो सही है। कुछ नहीं करना था आपको, पहले सिंपल फिगर में तोड़ना था कि हमें एक इस फिगर में तोड़ लें, हमें पता है कि एक कुछ ऐसा आपका फिगर बनना है, तो इसमें 8 मिलेगा, फिर इसके अंदर एक ट्रेंगल बना उसमें भी 8 16 मिलेगा, फिर 3 3 और 3 यहां से मिलेंगे उन्हें जोड़ लें। उसके बाद से आपको क्या करना है कि उसके बाद से आपको जो ज्वाइंट मिल रहा है, जैसे इसका ये वाला ज्वाइंट 1 2, उसी तरह यहां से ये 3 और यहां से ये 4, उन सबको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएंगे ट्रेंगल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट करिए इसका आंसर। इसमें क्या पूछा, इसमें भी त्रिभुज ही पूछा है आपसे कि कितने त्रिभुज होंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो, आसान सा क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है इसे कमेंट करो आंसर। चलिए नहीं आया जिसका वो आप देख लो क्या होगा इसका आंसर। इसमें पहले तो जो जो आपको फिगर दिख रहा है उसका काउंट करके अलग अलग निकाल लो, जैसे इसमें नंबरिंग कर लोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 4, सब में 4 4 बनेंगे तो 8 8 बनेगा, तो आपका क्या होगा यहां से 8 मिलेगा, उसके बाद से इस वाले से 8 मिलेगा, मतलब इस वाले ये भी 8 ट्रेंगल देगा, ये भी 8 दिया और ये भी 8 देगा, तो कितने हो जाएंगे 8 8 16 8 3 24, 24 ट्रेंगल अभी तक हमें मिल चुके हैं, ठीक है। इससे 24 के बाद देख लो ये छोटा वाला ट्रेंगल, 24 के बाद आपका ये वाला ट्रेंगल 25, ये वाला ट्रेंगल 26, ये वाला ट्रेंगल 27, ये वाला ट्रेंगल 28, ठीक है। उसके बाद से 28 अभी तक हो गया, उसके बाद से आपको कौन कौन सा ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, आप कंबाइन करके जोड़ना पड़ेगा। 28 के बाद देखो 28 के बाद क्या हो रहा है कि आपका ये वाला ट्रेंगल 29 और ये वाला ट्रेंगल आपका 30, ठीक है। तो अभी तक हमें कितने ट्रेंगल मिल चुके हैं 30 ट्रेंगल मिल चुके हैं। 30 के बाद वैसे इधर भी होगा, 30 के बाद इसमें आपका क्या होगा ये 31 और ऐसे ही इधर वाला 32, ठीक है तो 32 हो गया। साथ ही साथ एक चीज और कि 32 उसके बाद से एक बड़ा भी तो इसमें इसी में ट्रेंगल है, वो कौन सा बड़ा वाला देखो, जैसे ये वाला पोर्शन एक बार उठाओगे, अभी तो उनका पार्ट हाफ हाफ किए तो 32 हो गया था, एक ऐसे इधर और एक ऐसे इधर, ठीक। तो 32 के बाद प्लस 2 और कर दो तो कितना हो गया 34, 34 अभी तक आ गए हैं। 34 के बाद और कौन सा ट्रेंगल हमारे पास आएगा, 34 के बाद आपके पास एक ट्रेंगल आएगा ये वाला, देखो
34 के बाद एक ट्रेंगल होगा, उसे मैं किस कलर से कर दे रहा हूँ, ब्लू से कर दो। 34 के बाद एक आपका इसमें से ये वाला पूरा 35 और इसके जस्ट इधर ये देखो 36, उसके बाद ठीक है 34 के बाद दो जोड़ोगे तो 35 36 हो गया टोटल। उसके बाद से कौन सा बच रहा है, एक आपका पूरा बड़ा वाला बच रहा है, उसे अभी हम लोग काउंट नहीं किए थे। आपका पूरा ये बड़ा वाला ट्रेंगल जो है अभी बच रहा है जिसे हम काउंट नहीं किए थे, तो वो कौन सा होगा भाई, वो हमारा ये वाला होगा, देख लेते हैं। ये वाला जो ट्रेंगल है पूरा ट्रेंगल एक हम लोग छोड़ रहे थे, तो वो अब हमारा कितना हो जाएगा, एक और प्लस कर दो तो 36 और एक कितना हो जाएगा, 36 एक कितना हो जाएगा 37, तो इसमें टोटल ट्रेंगल कितना बनेगा 37 बनेगा। ये ऑप्शन सी जो होगा सही होगा, जिसका आ गया होगा 37 वो सही हो। सिंपल सा है सब में भाई, ये जो दिख रहा है आपको चार चार वाला रेक्टेंगल वाला स्ट्रक्चर, इसमें निकालो तो इसमें 8 8 8 तो 24 ये हो गया। उसके बाद से आपका जो ये वाला पोर्शन बन रहा है इसमें कितने ट्रेंगल होंगे, 1 2 3 तो वो होंगे, उसके बाद से 24 तो वो, उसके बाद ये छोटे वाले 25 26 27 और 28 यहां तक काउंट कर लिए। 28 के बाद इस वाले पोर्शन में 3 मिलेगा, इस वाले पोर्शन में 3 मिलेगा, उसके बाद से एक बड़े वाले में आपका क्या मिलेगा, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 मिलेगा, उनको काउंट कर लेना आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको वर्ग बताना है कि कितने वर्ग होंगे, ये आसान है, आसान से गिन के सभी लोग इसका आंसर कमेंट करना, सभी का ये आंसर आना चाहिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए जिसका नहीं आया देख लीजिए, इसमें वर्ग आपको काउंट करना है, नंबरिंग कर दो, इसकी नंबरिंग कर दो भाई, सभी लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, 10 तो यही है सिंपल। उसके बाद से कौन कौन सा है उसे हम कलर से देख लेते हैं। 10 के बाद आपका एक आपका बनेगा यहां से एक वर्ग, ठीक है, तो ये 11 नंबर हो गया। उसके बाद से एक बनेगा आपका 11, एक ये आपका बनेगा, तो ये हो गया आपका 12 नंबर वाला। उसके बाद से कौन सा बनेगा 12, उसके बाद से आपका ये बनेगा, ये देख लो 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद से भी कोई बनेगा क्या, हाँ उसके बाद भी एक बनेगा, 13 के बाद एक और बनेगा आपका, ये देख लो ये वाला 13 एक ये 14, ठीक है। तो इसमें टोटल वर्ग कितने बनेंगे आपके भाई, 14 बनेंगे, 14 स्क्वायर होंगे इसमें, टोटल स्क्वायर कितने होंगे 14 स्क्वायर होंगे। तो आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही होगा, जिसका आया होगा ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसमें भी आपको स्क्वायर ही बताना है कि कितने स्क्वायर होंगे। सभी लोग तुरंत बताएं इसका स्क्वायर कितना होगा, टोटल इसमें स्क्वायर कितना है, पार्ट वाइज तोड़ लो अपने आप पता चल जाएगा इसमें स्क्वायर कितना है। चलिए जिसका नहीं आया देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसमें पहले आपको क्या दिख रहा है वो फिगर बना लीजिए, जैसे आपको पहला सबसे बड़ा वाला फिगर मैं बना रहा हूं, सबसे बड़ा वाला फिगर ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो इस वाले में हमने बताया था कितने स्क्वायर होते हैं, 5 स्क्वायर होते हैं। उसके बाद से क्या हुआ है कि देखो यहां बीच में कैसे बन गया है, तो 5 इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी प्लस साइन मिल रहा है हमें, तो 10 हो गया। उसके बाद से आपका इस वाले में एक पार्ट हुआ ऐसे देखो यहां पे, तो इसमें भी तो भाई 10, इसमें भी तो 5 मिलेगा कहोगे, तो नहीं, उसका एक पोर्शन तो आप काउंट कर ही चुके हो, ये वाला उसमें प्लस साइन हुआ, तो सिर्फ ये वाला मिलेगा, मतलब एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला, 4 मिलेगा। बड़ा वाला काउंट हो चुका है पहले ही, जब हम ये पूरा एक बड़ा वाला जब लिए और इसका पार्टीशन किए तो 1 2 3 4 एक बड़ा 5, तो उसी में ये वाला काउंट हो गया। अब इसके अंदर ऐसे प्लस साइन बनाएंगे तो हम 4 ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो 4 हमें यहां से मिलेगा और तो 10 अभी तक हमारे पास हो गए थे टोटल, लिख लो 10, 4 यहां से मिलेगा और सेम 4 जो है आपका यहां से मिलेगा, ठीक है। तो 4 और लिख लो तो 8 18 आपके हो गए अभी तक स्क्वायर। उसके बाद से क्या हुआ है, 18 के बाद देखो ये 19 इस साइड लगा हुआ है, ये 20, ठीक 20, उसके बाद ये 21 इधर साइड वाला, 22, ठीक उसके बाद इधर देखो ये 23 इस साइड बना है, 24, तो टोटल कितने हो गए अभी तक, हमने काउंट कर लिया 24, ठीक है 24 तक हैं इसमें।
उसके बाद से इसे क्यों नहीं काउंट किया, इसे इसलिए नहीं काउंट किया क्योंकि जब इसे किया था उसी समय इसको 5 लिख दिया था, तो टोटल अभी तक हमारे पास 24 आए हैं। 24 के बाद एक इस साइड में भी है 25, यहां भी है 26, उसके बाद से भी कुछ है 26 के बाद, हाँ एक और है, वो कौन सा है वो देख लो, मैं कलर से इस वाले फिगर में बता रहा हूं। अभी तक आपके पास 24 के बाद कितने हो गए थे, 25, 26 हो गए थे, एक आपका बचा है कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्क्वायर बचा है। तो कितने हो जाएंगे इसमें, 27 स्क्वायर हो जाएंगे, टोटल आपके कितने स्क्वायर होंगे, 27 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर कौन सा, सी सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, इसमें पता था कि इस वाले प्लस वाले साइन में 5 होता है, तो 5 वहां से, 5 इस बीच वाले से 10, 10 के बाद इसमें 4, 14, 4 18, 18 के बाद ये आपका हो जाएगा 18 के बाद ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, तो टोटल यहां तक 26 हमें स्क्वायर मिल गए। 26 के बाद आपका ये बीच वाला जो मैंने कलर से किया है एक, ये मिल जाएगा, तो 27, तो टोटल 27 स्क्वायर होंगे जो इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसका आंसर कमेंट करिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें आपको त्रिभुज निकालना है, कितने ट्रेंगल होंगे, ठीक है। आंसर सभी लोग कमेंट करिए, सावधानी से करिएगा, आंसर आ जाएगा, तोड़ तोड़ के फिगर को करिए, सभी का क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए जिसका नहीं आया देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप तोड़िए पहले फिगर में, पहले फिगर बना है ऐसा कुछ, ठीक है, मैं भी बना दे रहा हूं, ये आपका फिगर बना, तो इस बेस पे कितना ट्रेंगल मिला बगाई, अभी आपको 3 ट्रेंगल मिले, एक ये और एक बड़ा वाला, 3 ट्रेंगल मिला, ठीक है। उसके बाद से इसे आगे बढ़ाया गया है, आगे बढ़ाने के बाद इसे यहां से ले गया गया है, यहां से ले गया गया है और ये मिला दिया गया है, तो 3 यहां मिले, तो भाई 3 इस बेस पे भी मिलेगा हमें, ठीक है, तो 3 और प्लस कर लो, अभी तक कितने हो गए, 6 ट्रेंगल हो गए। उसके बाद से क्या करना है, वहां से 6 मिला अभी तक, तो इस वाले बेस से देखो यहां पे, इस वाले बेस पे भी हमें 3 ट्रेंगल मिलेगा, ठीक है, तो इसे भी हम लिख दें 3 और, तो कितना हो गया अभी तक, 9 ट्रेंगल हो गए। उसके बाद से और एक्स्ट्रा कोई, हाँ और जो एक्स्ट्रा है उसे भी नंबरिंग कर दो, 9 हो गया, ये आपका 10 नंबर ट्रेंगल हो गया, ये आपका 11 नंबर ट्रेंगल हो गया, ये वाला 12 हो गया जो बाहर है इसे, ये आपका 13 नंबर हो गया। उसके बाद भी और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 13 हो गया। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, आगे और कंस्ट्रक्ट करते हैं कि आगे हमें क्या करना है, 13 हमारे पास टोटल ट्रेंगल अभी तक हो चुके हैं। उसके बाद से ये फिर अंदर से ऐसे देखिए, ये बना हुआ है, यहां गया, यहां गया और यहां गया, ठीक। तो अब फिर क्या होगा, इस वाले बेस पे हमें कितना मिल जाएगा, 3 ट्रेंगल मिलेगा, दो साइड मिलेगा, एक तो इसके वजह से मिलेगा आपका, छोटा सा जो बन रहा है देखो, ये जो छोटा सा बन रहा है इस पे, इस बेस पे, इस पे भी 3 मिलेगा, और एक आपका ये जो बड़ा सा बन रहा है उस पे आपको भी 3 मिलेगा, ये जो बन रहा है इस पे भी 3 मिलेगा, तो टोटल इस पे कितना मिल जाएगा, 3 3 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 और जोड़ लो, तो 6 और जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा भाई, 13 था तो टोटल अभी हमारे पास हो गया 19, ठीक। 19 के बाद आपका क्या होगा, ये छोटा यहां पे जो 20, ये आपका 21, ठीक है, 20 और 21। उसके बाद से अभी हम कितना कहां पहुंच गए, 21 ट्रेंगल तक पहुंच गए हैं। उसके बाद देखते हैं, आइए कलर से, दूसरे कलर से देखते हैं, 21 के बाद ये वाला आपका, ठीक है, 22, ठीक है, मतलब इसमें मैं बता दे रहा हूं, ये आपका 22, उसके बाद से ये वाला आपका 23, ठीक है, 21 और 2 कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उसके बाद से 23 के बाद कोई और फिगर दिख रहा हो, 23 के बाद दिख रहा है, वो भी कर लेते हैं, वो किससे करें, इसमें बना दे रहे हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो वो जो हिडन ट्रेंगल है इस वाले में देख लीजिएगा, मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं। अभी तक हमारे पास 23 मिल चुके हैं, 23 के बाद ये देखो, 23 के बाद ये यहां से 24, सेम इस साइड एक 25, ठीक है, 25
उसके बाद से एक और मिलेगा 25, उसके बाद से कहां मिलेगा, ये देखो ये वाला बड़ा वाला 26, और वैसे ही इस साइड में आपका जस्ट अपोजिट साइड में 26 एक 27, तो टोटल कितने हो गए 27 होंगे, क्योंकि हमें चार मिले, ये दो रेड वाले इस साइड वाले में और ये दो इस साइड ब्लू से, 23 और 4 कितना हो जाएगा भाई आपका 27 हो जाएगा। तो 27 ट्रेंगल हमें मिले हैं टोटल यहां से, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल जब तोड़ के करोगे, मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसे तोड़ पाओ, नहीं तो आसान है कि हाँ इसमें तीन बेस पे यहां मिला, इसी तरह छोटे पे तीन मिलेगा तो 6 यहां हो जाएगा आपका, उसके बाद से ये वाला आपका ट्रेंगल गया तो 3 यहां मिलेगा, उसे काउंट कर लो, उसके बाद से ये आपका काउंट, ये वाला काउंट, सब काउंट कर लोगे अलग अलग करके तो आराम से इसका आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, आप पूछ रहा है कितनी रेखाएं बनेंगी, सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, आपका क्या बोल रहा है स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे, इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। कुछ नहीं, आपके सामने एक ऐसा बॉक्स दिख रहा है तो इसमें 4 तो होंगी ही, इस वाले बॉक्स में आपके 4 लाइन तो होंगे, जैसे ये 2, तीसरा और ये चौथा लाइन, ठीक है 4 हैं। उसके बाद से 4 ये हो गया, पांचवा ये लाइन हो गई, छठवां लाइन ये, सातवां लाइन ये, आठवां ये, नौवां ये, दसवां ये, 11 ये वाली पूरी, ठीक है ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ठीक है 15। उसके बाद से आपका ये सबसे ऊपर वाला एक 16, और कोई काउंट होने से बच रहा हो 16, जो नीचे है आपकी एक लाइन ये भी तो बच रही है, ये वाली ये 17, ठीक है। तो ये आपके टोटल इसमें कितने लाइन होंगे, 17 होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा भाई 17 होगा, ऑप्शन बी होगा सही। सिंपल सा है, आप लोग 4 इधर हो गए, बाकी सभी लाइनें देख लीजिए, एक ही एक लाइन जो है ये आपके दोनों में काम कर रही है, तो ये लाइन एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 17 होगा इसका। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका सेशन का। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए क्या होगा, बोला कितने त्रिभुज होंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए जिसका नहीं आया अब देख लो क्या होगा इसका आंसर, सिंपल सा एक सिमेट्रिक फिगर है, एक तरफ निकाल लोगे उसका डबल कर लोगे, उसके बाद से जिन दोनों फिगरों को कंबाइन करके आएगा उसे तुम्हें ढूंढना होगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमेशा सिमेट्रिक फिगर आपके एग्जाम में पूछता है कि एक तरफ काउंट कर लो दूसरे तरफ का उसका डबल कर लोगे आसानी रहेगा। उसके बाद से वो जो दोनों फिगर होंगे वो जो ज्वाइंट हुए हैं उनसे क्या मिल रहा है हिडन ट्रेंगल आपको, जो भी हो वो आपको देखना होता है और उसे काउंट करके निकालना होता है। अब इसमें मैं बता दूं आपको कैसे काउंट करना है, सिंपल सा है, एक तरफ का देख ले हम लोग, तो इसमें कितने ट्रेंगल बनेंगे, आपके सामने जो फिगर दिया होगा कुछ ऐसा ट्रेंगल है, ठीक है ये है, उसके बाद से ये आपका दिया गया है, तो इसमें कितने होते हैं भाई ट्रेंगल, मैंने ऐसा फिगर बताया था आपको 5 ट्रेंगल मिलते हैं, 1, 2, 3, 4 और एक बाहर वाला 5, ठीक है। 5 के बाद क्या हुआ है, यहां से दो लाइन एक लाइन खींची गई है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 5, 2, 7 हो जाएगा, इस वाले में भी गई है वही लाइन सेम, 7 के बाद 2 और मिल जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरी लाइन ये बड़े वाली ट्रेंगल में भी तो चली गई, ऐसे ये बड़े वाले ट्रेंगल में भी तो चली गई पूरी लाइन, तो बड़े वाले ट्रेंगल को भी दो पार्ट में बांटेगी, 9 के बाद 10, 11 हो जाएगा, उस 11 के बाद आगे कोई और ट्रेंगल मिलेगा क्या, 11 के बाद और ट्रेंगल मिलेगा, देखो कौन सा, ये कलर से देख लो, 11 के बाद इन दोनों को मिला के एक ये 12 और एक वाला ये देख लो इस साइड आपका, तो 13, तो 11 और 2 और मिल गया, तो टोटल कितना हो गया भाई 13 हो गया। तो इस वाले साइड में टोटल हमें 13 ही मिलेगा, 13 से अलावा और कोई ट्रेंगल नहीं मिलेगा, तो 13 तो ये हो गया, मतलब इस पूरे पोर्शन में आपके इस वाले पूरे पोर्शन में 13 ट्रेंगल होंगे, तो 13 इधर तो 13 इधर, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 26 हो गया, टोटल हो गया 26।
उसके बाद से टोटल अभी तक हमारे पास 26 हो गए, उसके बाद से हिडन ट्रायंगल ढूंढते हैं, हिडन कौन कौन सा होगा 26 के बाद। एक देखो हिडन ट्रायंगल आपका ये दोनों को मिला के जब बनेगा 26 एक 27 और एक आपका कौन सा होगा वो ये होगा, नीचे देख लो 27 एक 28 ठीक। तो ये आपका टोटल इसमें कितना बनेगा 28 बनेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी जो होगा वो करेक्ट होगा, जिसका जिसका सी आया है वो करेक्ट होगा। कुछ नहीं करना था, एक बार साइड वाले में हमने टोटल निकाल लिया था कितना फिगर होगा 13, तो अब सेम सिमेट्रिक फिगर है तो उस साइड भी 13 होगा 26। 26 के बाद आपका जो दोनों कंबाइन हुए हैं जैसे ये हरे वाला ट्रायंगल एक 26 के बाद एक 27 और ये नीले वाला 28, तो टोटल कितना होगा इसमें 28। उसके अलावा कोई कंबाइन होने पर नहीं होगा क्योंकि इसमें हम सभी ढूंढी चुके हैं और इसमें ढूंढी चुके थे ठीक। तो हमारा टोटल इसका आंसर क्या होगा, सी होगा 28। चलिए ये हो गया आपका, और आते हैं आप प्रीवियस जो मैंने आपसे जैकपॉट बताया पूछा था, तो कुछ बच्चे इसमें 13 और 14 में आंसर दे रहे थे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आप लोग देख लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जितना भी है उसकी नंबरिंग कर डालो, जैसे आपका जितने पार्ट हैं उसकी नंबरिंग कर दो, जैसे एक दो पार्ट, दूसरा पार्ट ये दिख रहा है मुझे, तीसरा ये दिख रहा है, चार ये दिख रहा है, पांच, कोई जरूरी नहीं सब ट्रायंगल ही हो, मैं पार्ट वाला बोला, जितना भी पार्ट दिख रहा है उसे नंबरिंग कर दो, पांच के बाद 6 ये 7 ये 8 ये 9 ठीक है। अब क्या करो कि पहला काम कि आपको जितने भी सिंगल डिजिट से ट्रायंगल बन रहे हो उसे लिख लो, सिंगल डिजिट से कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है उसे लिख लो, एक से भी ट्रायंगल मिल रहा है, दो से भी ट्रायंगल मिल रहा है, सिंगल डिजिट से, मैंने बोला आपसे जो सिंगल डिजिट से जितने भी ट्रायंगल बन रहे हो, जैसे सिंगल डिजिट का मतलब ये, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एक है तो एक नंबर से ट्रायंगल ये वाला बन रहा है ना, सेम वैसे ही सभी नंबर से देखना है, तो एक आपका पहले नंबर से बन रहा है, दूसरे नंबर से भी बन रहा है, तीसरे से नहीं बन रहा है ठीक है, तो तीसरा नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि जो थर्ड वाला पार्ट है वो ये है, थर्ड वाले पार्ट से हमारा ट्रायंगल नहीं बन रहा है, देखो ये वाला पार्ट है थर्ड वाला ठीक है, चार उसकी भुजाएं मिल रही है तो इससे नहीं बन रहा, इसे छोड़ देंगे, थर्ड को नहीं लिखेंगे, थर्ड को नहीं लिखेंगे, फोर्थ से बन रहा है हमारा ट्रायंगल, फोर्थ हो गया, फिफ्थ बन रहा है, सिक्स्थ बन रहा है, सेवेंथ बन रहा है और एट्थ बन रहा है, नाइन्थ नहीं बन रहा है हमारा ठीक है, नाइन्थ हमारा इसको कवर कर रहा है पूरा ठीक। तो इससे कितने ट्रायंगल बने, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो टोटल यहां से एक डिजिट से बनने वाले कितने ट्रायंगल हो गए, सात ट्रायंगल हो गए ठीक है, सात ट्रायंगल हो गए। उसके बाद से दो डिजिट को देख लेते हैं, डबल डिजिट से कितने ट्रायंगल आपके बन रहे हैं डबल डिजिट से, जैसे देखें डबल डिजिट से देखो 6 और 7 मिलेंगे जब तो एक ट्रायंगल देंगे 6 और 7, उसके बाद से कौन सा देगा 5 और 6 भी देगा, 5 और 6 भी देगा, उसके बाद से आपका 4 और 3 भी देगा, 4 और 3 भी देगा, 4 और 3 जब कंबाइन होगा तो आपका कुछ ऐसा ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, ये वाला ट्रायंगल मिलेगा ठीक, 4 और 3 जब कंबाइन होगा तो यहां से हमें कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे, यहां से हमें तीन ट्रायंगल मिल जाएंगे और यहां से सात मिले थे तो सात प्लस तीन अभी तक कितने हो गए 10 ट्रायंगल हमें मिल चुके हैं। उसके बाद से देख लेते हैं कि थ्री डिजिट से देख लेते हैं तीन डिजिट से कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं हमको, तीन डिजिट से देख लें तो तीन डिजिट से हमें कौन कौन मिलेगा भाई, 6 5 और 3 वाला भी ट्रायंगल तो मिलेगा, 6 5 और 3 वाला ट्रायंगल देख लें, ये देखो 6 5 और 3 ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, तो लिख लो 6 5 और 3 वाला ट्रायंगल, 6 5 3 वाला ट्रायंगल। उसके बाद से कौन कौन सा होगा तीन डिजिट में आपका, उसके बाद से आपका ये हो गया, उसके बाद से ये वाला देखो 8 9 और 5, 8 9 और 5 इसे मैं दूसरे कलर से दिखा दूं, 8 9 और 5 ये वाला देख लो, 8 9 और 5 इसमें इस ट्रायंगल में है नंबरिंग पूरी, 8 9 5 हो गया, उसके बाद से आपका पड़ गए तीन डिजिट वाले तो 10 2 12 हो गया, उसके बाद से आपको कौन कौन सा मिलेगा, 12 के बाद आपका जो ट्रायंगल होगा क्या दो तीन डिजिट का और कोई मिल रहा है, 2 3 5 से कुछ मिल रहा है क्या, दो नहीं, नहीं मिलेगा, यहां से भी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं फोर डिजिट पे कि फोर डिजिट से कोई ट्रायंगल मिल रहा है, कितने ट्रायंगल मिल रहा है फोर डिजिट से,
तो अभी तक हमारे पास 12 हुए, 4 डिजिट से देख लो, 6532, 6532, इससे एक ट्रेंगल मिलेगा, वो कौन सा होगा, वो मैं दिखा दे रहा हूं, वो आपका ये वाला होगा ट्रेंगल पूरा, ठीक है, 6532 भी कवर हो जाएगा इसमें। उसके बाद से एक जब इस साइड ऐसे मिला तो इस साइड भी तो वही मिलेगा, ये वाला ट्रेंगल भी तो मिलेगा, ये वाला ट्रेंगल भी तो हमें मिलेगा ऐसे, ये वाला ट्रेंगल भी मिलेगा, तो एक ट्रेंगल वो भी हो जाएगा आपका, बोल सकते हो इसको क्या 9 7 1 4 9, जिसमें कौन कौन से डिजिट हैं आपके, 9 9 है, 7 है, 4 है और 1 है, तो ये भी एक देगा, तो दो और मिल गए हमारे पास, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 ये थे, दो और मिल गए 14 हो जाएंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा ट्रेंगल भाई, 14 हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक एक ट्रेंगल काउंट कर लिया, सिंगल डिजिट से मिलने वाले 7, डबल डिजिट से मिलने वाले 3 10, 3 डिजिट से मिलने वाले 3 2 आपके 6 5 3, 6 5 और 3 और 8 9 5, 8 9 और 5, ठीक। उसके बाद 4 डिजिट से मिलने वाले 6 5 3 2 और एक आपका इधर 9 7 4 1, ये आपके तो ट्रेंगल हो गए, तो टोटल कितने हो गए 14 ट्रेंगल होंगे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जिसके जिसके आंसर सी आए थे, 14 आए थे, वो करेक्ट थे। आज का जैकपॉट आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग दीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर, इसमें आपको ट्रेंगल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल क्या होगा। तो ये आपका काउंटिंग फिगर का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो आज समाप्त होता है, फिर हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग सभी लोग मन लगा के पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए, धन्यवाद।